हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। ये जो आज का वीडियो आप देख रहे हैं, ये डक्टेबल स्प्लिट एसी है। इसमें वाटर लीक का प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि रूम भी कूल नहीं हो रहा है। कभी भी ड्रेन लाइन आ करके क्लीन करके कोई भी बंदा चले जाता है, लेकिन वापस से ये हमारा जो है पानी जो है नीचे फर्श में गिर रहा है। इसमें क्या है कि ड्रेन लाइन तो हमारा ओके है, लेकिन अपोजिट साइड में जैसे डक्ट का जो लाइन निकला हुआ है ना, उसका सप्लाई एयर, उधर से हमारा पानी ज़्यादा गिर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कूलिंग कॉइल है ना, कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्केल आ गया है, जिसके चलते हमारा ट्रे में पानी थोड़ा आ करके और दूसरे साइड भी पानी जा रहा है, ये प्रॉब्लम। और दूसरा हमारा, अगर कूलिंग कॉइल ज़्यादा गंदा रहेगा तो हमको कूलिंग का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सिस्टम में। तो ये खास करके नए बंदे लोग के लिए जो पहली बार इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे नए यूनिट के पास गए हैं, उनके लिए है। और बाकी जो भी हैं देखें तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसको हम आज कैसे सर्विस करते हैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। ये देखिए हमारा इधर में आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल के नीचे जो ट्रे लगा रहता है, वो ट्रे है। इधर से ड्रेन लाइन का कनेक्शन निकाला हुआ है, और ये हमारा कूलिंग कॉइल है सब। यहाँ सामने में जो देख रहे हैं, ये ड्रेन लाइन है, और इस तरह से हमारा सब लगा हुआ है सिस्टम। ये हमारा ब्लोअर है, ब्लोअर वहाँ पर जो आप ये हॉल देख रहे हैं ना, इस हॉल से ब्लोअर को वहाँ से रिमूव करके हटाए हैं। इधर में भी ट्रे का अपोजिट डायरेक्शन है ये, इधर भी थोड़ा निकला रहता है पॉइंट। अब उसके बाद क्या है, ये देखिए हमारा जेट पंप प्रेशर पंप है ये। अब इसके एक साइड में हम कनेक्शन दे रहे हैं, जो हमारा हैंडल है पंप का प्रेशर मारने के लिए पानी जो है वो एक साइड कनेक्शन करेंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में देखिए सेम उसका में वाटर का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये इधर में ये आपका हैंडल का कनेक्शन हो गया, इसके ज़रिए हम प्रेशर करेंगे, ठीक है। और इधर में देखिए, अब इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपको उस पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना होगा, तो हम इधर इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देंगे। और ये एक साइड हमारा अपोजिट साइड में पानी में हम इसको डाल देंगे, जिससे हम बताएं कि एक साइड दूसरा कनेक्शन है, एक साइड जो है पानी का कनेक्शन है। ये देखिए अभी हम इसको थोड़ा देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ, तभी चेक कर लेते हैं। तो अभी आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको दिखाएँगे किस तरह से क्लीन करना है। तो ये चेक कर ले रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है। अभी हम इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं, अंदर में देख सकते हैं क्लीन कॉइल को, पूरा प्रेशर हमारे में तो कॉइल हमारा क्लीन हो जाएगा। उसके लिए आप जो है देखा जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना सारा स्केल बाहर में इधर में निकल गया। देखिए अंदर मारने के बाद जो है बहुत सारा स्केल बाहर में देखिए निकला हुआ है कचड़ा। ये इतना जाम रहेगा तो आपका कूलिंग कॉइल कूलिंग भी नहीं मिलेगा रूम, दूसरा आपका ड्रेन लाइन से वाटर लीक का भी प्रॉब्लम आएगा, समझ गए। इस तरह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इस हमेशा जो है, जब आपका जो ईयरली सर्विस है वो करें, मंथली सर्विस है वो बराबर से करें, तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है बहुत सारा जगह पे, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको मिल जाए, खास करके नए लोग के लिए है, तो वो किस तरह से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये आप देखिए वीडियो को लास्ट तक, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये हो गया, अभी ये ट्रे का एरिया है, ट्रे एरिया में आप देख रहे इतना पानी गंदा है। इधर में ब्लोअर हमारा रखा हुआ है जो उधर से निकाले हैं, ओके। अभी आप देखिए इधर में अभी कचरा को साफ़ कर ले रहे हैं, नहीं तो वो फंस जाएगा, इसलिए बाहर उसको साफ़ कर रहे हैं। जितना है कपड़ा साफ निकाल लें, अच्छा सा साफ़ कर लें, पूरा फिनिशिंग कर लेंगे, उसके बाद ही आपको लास्ट में भी दिखाएंगे देखिए फिनिशिंग करने के बाद किस तरह से दिखता है। और है कि जब आप प्रेशर मारे तो सीधा मारे, समझ गए ना, उल्टा पलटा अगर मारेंगे, तिरछा करके मारेंगे तो पूरा कॉइल डैमेज हो जाएगा। तो पानी का प्रेशर कॉइल के पास होना चाहिए, इस तरह से आप क्या कहते हैं मारे उसको, सीधा मतलब चारों बगल से पानी के फैला रहता है, इस तरह से आप मारे, समझ गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा ये क्लीन हो रहा है इस करके, तो इस तरह से क्लीन हो जाएगा सब, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं, we'll be right back.
ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये हमारा पूरा कॉइल क्लीन हो गया, बहुत अच्छा से पूरा, अभी कचरा नहीं है। इसका ट्रे भी देखिए, ट्रे भी बहुत अच्छा से साफ़ कर दिए हैं। इसके अंदर जो पानी गिरेगा स्वेटिंग हो करके, वो पानी को भी आपका निकलने का रास्ता चाहिए, अच्छा क्लीन चाहिए। पहले से थोड़ा ब्लॉक था, अभी ये पूरा क्लीन हो गया हमारा कॉइल, तो अभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए। ओके, अभी ये देखिए हमारे दोस्त हैं, ये फिटिंग कर रहे हैं, सो कवर लगा रहे हैं। तो एक चीज़ और है, आप कभी भी जो भी इक्विपमेंट को आप खोलें, कोई भी सिस्टम हो, उसको आप माइंड में रखें कि जैसे खोल रहे हैं उस तरह से ही आप उसको सेट करके फिट करें, तो आपका सही रहेगा। तो यही था आज का हमारा वीडियो।